वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन अभी तक किया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने 10 मैच में से 10 जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर टीम इंडिया ने फाइनल में एंट्री कर ली है। इस मैच में मिली जीत के बाद खिलाड़ी काफी भावुक हो गए हैं। प्लेयर्स ने एक दूसरे से गले लगाकर जीत की मुबारकबाद दी। इस दौरान कई खिलाड़ी कैमरे के सामने अपने आंसू नहीं छिपा सके, जिसका वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा की दोस्ती ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों को कभी इस तरह से एक साथ नहीं देखा गया था। मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक रोहित विराट एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में रोहित ने विराट की छाती थपथपाते हुए उन्हें फाइनल में पहुंचने की मुबारकबाद दी। तो वहीं मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 में जो गेंदबाजी की है उससे उन्होंने हर किसी को अपना मुरीद बना लिया है। हर कोई उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी शमी ने टीम इंडिया की जीत में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 7 विकेट लेकर कीवी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वह इस टूर्नामेंट में 3 बार 5 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। शमी के हाथ से निकली बॉल को बल्लेबाज झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए अश्विन ने ड्रेसिंग रूम में शमी का हाथ चूमा और उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। तो वहीं श्रेयस अय्यर शुरुआती मुकाबले में रन नहीं बना पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर किए जाने की मांग भी उठने लगी थी, लेकिन कप्तान और कोच ने उन पर पूरा भरोसा जताया, जिस पर श्रेयस अय्यर पूरी तरह खरे उतरे हैं। उन्होंने अब सेमीफाइनल समेत बैक टू बैक 2 शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही श्रेयस अय्यर काफी भावुक भी दिखे। अब देखना होगा कि भारतीय टीम फाइनल में कैसा प्रदर्शन करती है और क्या 12 साल बाद वो एक बार फिर से अपने घर में ट्रॉफी उठा पाती या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट एडिटर को लाइक और सब्सक्राइब करें।